इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान पीटीआई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। जनवरी 2023 की राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 6 की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने राजस्थान करंट अफेयर के 1 से लेकर 5 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हो। डेली आपको इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। तो अब बात करता हूँ जनवरी 2023 राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन पहला है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध कब उपलब्ध करवाया जाएगा? मंगलवार गुरुवार, मंगलवार शुक्रवार, बुधवार शुक्रवार या प्रतिदिन? तो यह क्वेश्चन आपके जनवरी में था, तब आपका आंसर बुधवार शुक्रवार था, लेकिन अभी अपडेटेड हो गया। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि प्रतिदिन दूध दिए जाने की घोषणा की, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी कौन है? पूजा वर्मा, अवनी चतुर्वेदी, चेतना शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाले राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी है चेतना शर्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक हासिल हुई है? 24वीं, 12वीं, 30वीं या 28वीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान को देश में 30वीं रैंक हासिल हुई है। इस वीडियो में मैं आपके चर्चा करूँ पार्ट 6 की, 1 से लेकर 5 तक पार्ट की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको राजस्थान करंट अफेयर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ मिले हैं? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र आपके मिले हैं जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ? भीमबड़क में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की किस विरासत के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए? जोधपुर, झुंझुनू, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य झुंझुनू जिले की खेतड़ी महल में संरक्षण हेतु राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में आसाएं द फिलिंग स्टेशन खुलेगा? अलवर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के अलवर जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में आसाएं द फिलिंग स्टेशन खुलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया? मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरूषिन शेखावत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, राइट आंसर सी हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरूषिन शेखावत के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया? गोर्धन मीणा, मयंक जोशी, अनिल कुमार, अजय कुमार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान के खिलाड़ी गोर्धन मीणा ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजस्थान की कितनी विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की है? 4, 3, 7 या 2? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने राजस्थान की टोटल 4 हस्तियों को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू की जाएगी? पाली में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी पाली में, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष तक वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं? 2026, 2047, 2040 या 2030? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वर्ष 2040 तक वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी किसका आयोजन हो चुका है, कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन उदयपुर में किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में शीर्ष पर है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का बाड़मेर जिला प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में शीर्ष पर है, राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली आपको इसी तरह 50 ऑब्जेक्टिव राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, और वीडियो लाइक जरूर करें। हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है? हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नवाचार के तहत हनुमानगढ़ जिले में खिलौने बैंक का उद्घाटन किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा 2023 कब से कब तक चलाया जाएगा? कब से कब तक चलाया गया है? क्योंकि ये हो चुका है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा 2023 कब से कब तक चलाया गया था? 12 से 20 जनवरी, 21 से 28 जनवरी, 24 से 30 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सरधवा 2023 का आयोजन किया गया था 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन आपके उदयपुर में किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध है उदयपुर जिले से, राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? यानी कब से कब तक किया गया था? 25 से 28 जनवरी, 20 से 30 जनवरी, 15 से 18 जनवरी, 3 से 5 फरवरी? तो मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2023 तक किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? जोधपुर में, राजसमंद में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद में बनाई गई थी, रिजर्व पुलिस लाइन राजसमंद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस सैनिक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है? गोर्धन मीणा, शुभम जैन, अनिल कुमार या अजय कुमार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सैनिक शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया, तो आपका जिला हो जाएगा जोधपुर, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान भारत का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? कलराज मिश्र, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान भारत का लोकार्पण द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में स्थित बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर T24 उस्ताद की मृत्यु हुई है?
जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर T24 उस्ताद की मृत्यु हुई है। आपका राइट मृत्यु हुई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? 25 से 28 जनवरी, 20 से 22 जनवरी, 15 से 18 जनवरी या 3 से 5 फरवरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 20 से 22 जनवरी 2023 को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 20 से 22 जनवरी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां सुर संगम का राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33वां सुर संगम का राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह आपके जयपुर में आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया है? मीणा, भील, सहरिया या कथोड़ी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में सहरिया और कथोड़ी जनजाति के लोगों से संवाद किया था। तो सहरिया और कथोड़ी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश कुमार, अरुण शर्मा, अर्चना शर्मा, राज बंसल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से राज बंसल को सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा बना है? भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम है भरतपुर। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर खोले जाने की घोषणा की है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स स्कूल उदयपुर शहर में खोले जाने की घोषणा की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? जोधपुर, डूंगरपुर, करौली या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार अभियान डूंगरपुर जिले में शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? राकेश कुमार, अर्पणा सेन, अर्चना शर्मा या राज बंसल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अर्पणा सेन को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? कलराज मिश्र, टीकाराम जूली, अर्चना शर्मा या अमित शाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ है वो टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन जोधपुर शहर में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या पाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वीं प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? राकेश कुमार, निधि प्रजापति, अर्चना शर्मा, राज बंसल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 70वीं प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया है निधि प्रजापति द्वारा। किसके द्वारा? निधि प्रजापति। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाणा और मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? राकेश कुमार तनु फुलवारिया ने,
रविंद्र जोशी निधि प्रजापति ने, रविंद्र जोशी कोमल सिंह ने, राज बंसल कोमल सिंह ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाणा का खिताब जीता है रविंद्र जोशी ने और मिस मरवण का खिताब जीता है कोमल सिंह ने। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आपके बीकानेर जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां महाकवि कन्यालाल सेठिया अवार्ड से किससे सम्मानित किया जाएगा? राकेश कुमार, निधि प्रजापति, कोमल सिद्ध, के सच्चिदानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आठवां महाकवि कन्यालाल सेठिया अवार्ड से के सच्चिदानंद को सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहानी श्रेणी में पंडित झाबरमल शर्मा साहित्य पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? राकेश कुमार, रविदत्त मेहता, कोमल सिद्ध या के सच्चिदानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कहानी श्रेणी में पंडित झाबरमल शर्मा साहित्य पुरस्कार से रविदत्त मेहता को सम्मानित किया गया, और कविता श्रेणी में पूछा जाए तो कविता श्रेणी में दिनेश विजयवर्गीय को सम्मानित किया गया। तो आपके कहानी श्रेणी का आंसर हो जाएगा रविदत्त मेहता। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में माही महोत्सव का आयोजन किया गया आपके बांसवाड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 84, 62, 77, 79। तो हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का स्थापना दिवस 77वां मनाया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 8 जनवरी को की गई थी। लेकिन इसकी बात करें कि कब मनाया गया 77, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 2023 में 77वां स्थापना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राजस्थान क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन किया था? कृष्णा पूनिया, अवनी लेखरा, कोमल सिद्ध, के सच्चिदानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में राजस्थान क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट कहाँ शुरू किया गया है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र देश की सेना के साथ पहला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आपके जैसलमेर में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? राकेश कुमार, अशोक चांदना, अनुराग सिंह ठाकुर, के सच्चिदानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, डेली आपको इसी तरह 50 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर देखने को मिलेंगे राजस्थान के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत राजस्थान से कुल कितने पांडुलिपियों का चयन किया गया? 121, 112, 117 या 118। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत राजस्थान से कुल 121 पांडुलिपियों का चयन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम 2023 कब शुरू किया गया था? 10 से 15 जनवरी, 11 से 17 जनवरी, 17 से 27 जनवरी या 25 से 31 जनवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आपके 11 से 17 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। राइट आंसर 11 से 17 जनवरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सक्षम अभियान आपके बांसवाड़ा जिले में संचालित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत बाड़मेर शहर के से की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 7000 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप 31 फीट की शिव प्रतिमा की गई है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जोधपुर शहर में कहाँ पर की गई है? जोधपुर में 7000 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप
31 फीट की शिव प्रतिमा की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे आज आपके पार्ट 6। इसी तरह आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।